चाय पत्ती खरीदने अगर आसाम में जाए तो जाए कहाँ। अब देखो, जब आपने अपना बिजनेस है ना एक थोड़ा सेट कर लिया है, मतलब मैंने कहा 400-500 किलो आप बेचने लगे हो, तो कहीं ना कहीं तो दिमाग में आता होगा ना कि यार मैं डायरेक्ट आसाम जाके चाय पत्ती लूँ, मैं बीच में क्यों किसी को है ना 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया दूँ, अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मैं डायरेक्ट आसाम जाऊंगा। तो आसाम आपका वेलकम करता है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है और जाना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपको आसाम के बारे में बता दूं, तो आसाम बहुत ही अच्छा राज्य है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास जाओ घूमो अपने काम के लिए, कोई रोक टोक नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आसामीज लोगों की बात करूं तो बहुत ही मतलब है ना, हर टाइम एक फेस पे एक अच्छा सा एक स्माइल रहता है, गुस्सा भी करेंगे आग भी दिखाएंगे तो स्माइल करके दिखाएंगे, तो काफी अच्छे लोग हैं, आप बिंदास जाओ। लेकिन अब कहाँ जाना चाहिए, आसाम में एक बड़ा राज्य है ना, छोटा सा तो कोई है ही नहीं, तो कहाँ जाना चाहिए? आपको हमेशा अपर आसाम के साइड जाना चाहिए, यानी कि गोलाघाट से लेके तिनसुकिया तक का आपको टिकट कटवाना चाहिए। अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो डिब्रूगढ़ में एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन भी है, डिब्रूगढ़ है, तिनसुकिया है, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आप अपर आसाम पहुंच गए हैं तो मैं आपको एक मुंबई का उदाहरण देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है ना, मतलब वेस्टर्न लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो दहिसर, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, जोगेश्वरी, गोरेगांव, सेम उसी तरह से हर जगह पर है, आसाम में भी है, मतलब है ना, बोरपथार, बोकाखाट, सोनेरी, चौकीडिंगी, फिर ये डिब्रूगढ़ का मोहनबारी, डिकॉम, पानीतोला, टिनसुकिया तक पहुंच जाओगे आप। ऐसे ही एक एक लोकल स्टेशन है, लेकिन वहां पे लोकल ट्रेन नहीं चलती है। अगर आपको परेशानी है, आप कहां पर भी पहुंचे हो ना, नहीं समझ रहा है भाई मैं कहां पर हूँ, गूगल खोलना, वहां पे टाइप करना वेयर एम आई, आपको गूगल लोकेशन जगह का नाम बता देगा, उसी नाम की फैक्ट्री आपके 100 मीटर के रेडियस में होनी ही होनी है। इतने से काम नहीं चलेगा, आगे और भी कुछ बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देखना। यहाँ पर आपको दो तरह की फैक्ट्री मिलेगी, टू टाइप्स ऑफ टी फैक्ट्री, एक होता है प्राइवेट फैक्ट्री और दूसरा होता है गार्डन टी। जो जगह का नाम का फैक्ट्री आप ढूंढते हो ना, या आपको मिलने वाला है, वो गार्डन टी है, अंग्रेजों के जमाने से चलता आया हुआ फैक्ट्री है। और जो प्राइवेट फैक्ट्री, मतलब जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, मैं वहां पे पहुंचा है ना, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैंने एक फैक्ट्री खोल दी, तो ये हो गई प्राइवेट फैक्ट्री। अब बात करेंगे फैक्ट्री के साइज की, तो प्राइवेट या गार्डन टी दोनों का फैक्ट्री का साइज तो सेम ही रहेगा, लेकिन गार्डन टी के पास खुद का अपना है ना, काफी एकड़ में फैला हुआ खुद का एक चाय का बागान होगा। लेकिन प्राइवेट टी कोई छोटा मत समझना, उनका भी बहुत बड़ा काम होता है। जितने भी होलसेलर ब्रोकर जो आपको मिलेंगे आसाम के अंदर, मैक्सिमम वो काम करेंगे प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर, बिकॉज गार्डन टी जो है वो 100% मैं आपको बोलूंगा कि उनका चाय जाता है ऑक्शन के अंदर। आप अगर वो फैक्ट्री में जाते भी हो गार्डन वाला, तो आपको चाय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मतलब एक बोलते हैं ना कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर प्राइवेट फैक्ट्री में जाओगे ना, तो उधर आपको थोड़ा ज्यादा एंटरटेन किया जाएगा और वहां पे आपको मतलब चाय मिल ही जाएगी। गार्डन टी या प्राइवेट फैक्ट्री, दोनों जगह से आपको चाय मिल सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस प्राइवेट टी से आपको इजीली मिल जाएगा, बिकॉज उसका मालिक आपको 75% फैक्ट्री के अंदर ही मिल जाएगा। और बात करेंगे ये गार्डन टी वाले के मालिक के, तो वो आपको ऑक्शन में, मतलब जहां पे कलकत्ता जो सबसे बड़ा ऑक्शन सेंटर है, वहीं पर बैठे रहेंगे। अब बात करेंगे क्वालिटी और प्राइस की, तो क्वालिटी ऑब्वियसली गार्डन टी की माना जाता है कि क्वालिटी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी प्राइवेट फैक्ट्री भी है जो है ना बहुत ही अच्छा लीव्स, मतलब अच्छे पत्ते यूज करके एक बहुत ही अच्छा चाय बनाती है, और रेट वाइज प्राइवेट फैक्ट्री का रेट आपको थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली कम ही मिलेगा और गार्डन टी का थोड़ा हाई मिलेगा। अगर आप आसाम जाते हो तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना, आपको बहुत ही काम आने वाला है। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, परेशानी आती है ना, तो इधर आओ, कान लाओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ।